प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव की है तो क्या आपने कोविड-19 का टीकाकरण कराया है, यानी कि आपने क्या कोविड के दोनों वैक्सीन लिए हैं या नहीं। अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि क्या गर्भावस्था के दौरान मुझे ये वैक्सीन लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगी कि गर्भवती महिलाओं को क्या कोविड-19 का टीकाकरण कराना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जानने के लिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कहीं पे भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, तो आपको ऐसे में इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि ये वैक्सीनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्या ये आपके लिए सुरक्षित है। तो दोस्तों जैसा कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और जैसे कि संक्रमण का खतरा ऐसी महिलाओं में बहुत ज्यादा बन जाता है, तो महिलाओं का इस दौरान स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ सकता है। महिलाओं को छोटी मोटी बीमारियां वैसे भी लगी रहती हैं, या फिर जो समस्याएं महिलाओं को झेलनी पड़ती है वो अलग होती हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारी बीमारियां जकड़ सकती हैं, घेर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपका ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपको टीका लगाना है या नहीं लगाना है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि आप इस दौरान कोविड का वैक्सीन लगा सकती हैं, ये बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित है। इनफैक्ट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सही भी है, क्योंकि अगर आपको इस दौरान कोविड-19 हो जाता है या संक्रमण हो जाता है, तो ये आपके साथ साथ आपके गर्भ में शिशु के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की बात हो सकती है। तो अगर आप इस बीमारी से बचना चाहती हैं, तो आप इस दौरान टीकाकरण जरूर करें। इस दौरान आपको कोविड-19 का वैक्सीन लगाना चाहिए, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ होता है। तो आप इसे बेझिझक लगवाइए। किसी तरीके का कंफ्यूजन अगर है तो आप अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात कर सकती हैं। जिन महिलाओं में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें इस दौरान गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जिस वजह से उनके गर्भ में शिशु को कहीं ना कहीं और अधिक खतरा बन जाता है। तो अगर अभी तक आपने कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो आप इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जैसा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी इम्यूनिटी तो बहुत कम होती ही है, तो इसका आपको नेचुरल है कि फायदा अधिक मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि किन महिलाओं में कोविड-19 का संक्रमण होने के बाद जटिलताएं बहुत अधिक बन जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है, तो आपको कोविड-19 के संक्रमण से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, आपको गंभीर समस्या शुरू हो सकती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को डायबिटीज की शिकायत होती है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उन महिलाओं में भी अगर कोविड-19 हो जाता है तो उनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो महिलाएं मोटापे का शिकार होती है, उन महिलाओं के साथ भी इस तरीके के संक्रमण होने के बाद खतरा बना रहता है। और जिन महिलाओं को पहले से ही क्लॉटिंग की समस्या रहती है, तो अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं और आपने अभी तक कोविड-19 का वैक्सीन नहीं करवाया है, तो आप इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है, आपका प्रसव हो चुका है, तो आप डिलीवरी के तुरंत बाद भी कोविड-19 का वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब आप ये कोविड-19 का वैक्सीन लगा चुकी है, तो आपको इसके बाद शरीर में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, तो आपको सेम वही नॉर्मल से सिम्टम्स नजर आएंगे जो नॉर्मल व्यक्ति के साथ होते हैं कोविड वैक्सीन लगाने के बाद। आपको इस दौरान हल्का बुखार आ सकता है, इंजेक्शन लगाई हुई जगह पर आपको दर्द हो सकता है, और 1 से लेकर 3 दिन के भीतर आपको वीकनेस महसूस हो सकती है। तो ये टीकाकरण गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन 1 से लेकर 5 लाख महिलाओं में से एक महिला को हो सकता है कि इस वैक्सीन के लगाने के ठीक 20 दिन के भीतर कोई गंभीर सिम्टम्स, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपकी छाती में दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा उल्टी या फिर बार बार पेट में दर्द हो रहा है, या फिर आपके शरीर के किन्हीं अंगों में सूजन आ रही है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको ना के बराबर हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी समस्या हो भी जाए, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिल लें। और आपको क्या सावधानी रखनी है, मास्क पहनना है, हाथ धोते रहना है, और 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। बस यही आपको रखरखाव अपना रखना है, और गर्भवती महिलाओं को जो टिप्स मैं देती रहती हूँ प्रेगनेंसी की, उन्हें फॉलो करते रहना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।